नमस्कार, मैं नेहा रानी और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आज हम बात करेंगे 4G इंटरनेट पर। जैसे कि हम जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज 5 अगस्त 2019 में बंद की थी। उसी दौरान आर्टिकल 370 और 35 को रिमूव कर दिया गया था। तभी सरकार ने इन हालात को मद्देनजर रखते हुए लोगों के इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया और दूसरी ही तरफ लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया। हमारी सरकार का यही कहना था कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का सिर्फ एक यही कारण था कि किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या र्यूमर स्प्रेड ना हो, और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट किया। फिर सरकार ने 25 जनवरी 2020 को 2G इंटरनेट सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में रिस्टोर की। आपको हम ये बता दें कि अब तक लगभग 10 महीनों से ऊपर हो चुका है 4G इंटरनेट सर्विसेज को जम्मू एंड कश्मीर में बंद हुए, और इस साल 5 अगस्त 2020 को 4G इंटरनेट सर्विस बंद हुए जम्मू एंड कश्मीर में पूरा एक साल हो जाएगा। लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद कोरोना जैसी बीमारी का कहर भी जम्मू एंड कश्मीर पर आ गया। बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन करना पड़ा, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एग्जाम। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता था अगर हमारे पास एक प्रॉपर और एक अच्छी स्पीड में अगर हमें इंटरनेट मिल पाता। 2G इंटरनेट सर्विसेज तो हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन उस स्पीड में इन सब चीजों को एक प्रॉपर वे में करना बहुत ही मुश्किल बड़ा काम था। लेकिन हम बता दें कि साइट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत होती है और हाई इंटरनेट की जरूरत होती है, जिसे हम 4G कहते हैं। हाई स्पीड ना मिलने से स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोगों ने अपनी इस मुद्दे पर आवाज भी उठाई है, और ये मुद्दा हाईकोर्ट तक भी गया है। वहां पे इसकी सुनवाई भी हुई है और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है, और जो मैसेज दिया और रिपोर्ट बनाई गई, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी इस वक्त भी 4G इंटरनेट सर्विस को 2 महीने तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। जिससे हम ये कहेंगे कि साफ साफ ये जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो यूथ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। हर एक चीज ऑनलाइन कर दी गई है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, साथ ही साथ अगर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो, इस टाइम पे लोग ज्यादातर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार हमें ये फैसिलिटीज दे रही है कि हम इन चीजों को ऑनलाइन कर सकते हैं, पर साथ ही साथ वो हमें एक हाई स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन चीजों को करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। हमें जहां तक लगता है, अगर सरकार इसी तरह करती रही तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जम्मू कश्मीर में, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो और भी ज्यादा वीक हो सकता है, जो कि हमारे यूथ के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितनी भी कमेटीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो एक अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट करें, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द 4G इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर हो जाए। हम इसी तरह हर इशू पे बात करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, मैं हूं नेहा रानी, आप देखते रहिए आवाज न्यूज़।